दोस्तों ये हमारे पास आए हुए है किसान इंजीनियरिंग के KIJ 3111 जो कि हैंड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये मशीन आती है। तो आज की इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और साथ में देखने वाले हैं मशीन किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है और इसमें क्या क्या चीज़ हमें प्रोवाइड कराई जाती है और मशीन के साथ क्या क्या चीज़ मिलती है और उस चीज़ को कहाँ पर फिटिंग करना है, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथ में इस मशीन की रिव्यू भी करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है और इससे वाइंडिंग भी हम बताएंगे कि लास्ट में किस वाइंडिंग कैसी होती है। तो चलिए फटाफट इसकी हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मशीन को ओपन कर लेते हैं। तो मशीन को ओपन करते हैं, इसकी जो पैकिंग है काफ़ी ज़बरदस्त पैकिंग की गई है, अंदर गत्ता है उसके बाद नीचे थर्माकोल की भी पैकिंग की जाती है। तो इसकी पैकिंग के मुकाबले में किसान इंजीनियरिंग काफ़ी ज़बरदस्त है और ये देख सकते हैं कि इसमें दो पैकिंग की गई है, एक ऊपर से एक अंदर से, दो पैकिंग की गई है और काफ़ी अच्छी मशीन देखने को मिलती है। तो ये दोस्तों मशीन को हमने कर लिया, इसको यहाँ पे ओपन बॉक्स को, अब हम अंदर से आपको इसका इंटरफेस दिखाते हैं कि किस तरह से हमें इंटरफेस को देखने को मिलता है। तो चलिए कैमरे को लेकर आते हैं आगे और इसमें देख सकते हैं कि ये मशीन हमें कुछ इस प्रकार की दिखती है जो कि हैंड ऑपरेटर सिस्टम के साथ देखने को मिलता है। आप इसमें अगर डिजिटल मीटर लेना चाहें तो डिजिटल मीटर भी मिल सकता है, नॉर्मल मीटर लेना चाहें तो नॉर्मल मीटर भी आपको मिल जाएगा। मशीन के साथ सारे चीज़ें आते हैं, एक एक करके हम आपको दिखा दें कि क्या क्या चीज़ में मिलती है मशीन के साथ। मशीन को हम कर लेते हैं अलग गत्ते के साथ, फिर आपको इसका हम रिव्यू देते हैं। मशीन के साथ हमें ये फर्मा मिल जाता है, उसके बाद डाई मिल जाती है, लेंदम पत्ती मिल जाती है। मशीन के साथ जो जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो इस यहाँ पे एक पॉलीथीन के साथ हमें मिल जाती है। इसके साथ आपको एक बुक मिलेगा, उसमें आपको किसान इंजीनियरिंग की सारे प्रोडक्ट की जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। उसके बाद हम एक एक करके आपको प्लास्टिक फाड़ के दिखाते हैं। इसमें जो मिल जाती है हमारी डाइयाँ मिल जाती हैं जो कि एस्टर्न स्टील की डाई रहती है। मशीन के साथ आपको 12, 14, 16 की आपको कंपनी डाई देती है। अगर आपको हाई स्पीड की डाई चाहिए तो आपको उसको अलग परचेज करना रहता है। तो डाई जो रहती है वो सीएनसी टाइप डाई रहती है और काफ़ी अच्छी 15 साल के गारंटी के साथ आपको मशीन की डाई मिलती है। उसके बाद फर्मा देखने को मिल जाता है, फर्मा के बाद आपको क्यूब देखने को मिल जाएगा, उसके बाद गरारी पे रखने वाला ये है, लेंदम पत्ती भी आपको मिल जाएगी। आप देख सकते ये सारी चीज़ें मशीन के साथ आती है। ये मशीन देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत हमें देख, तो मशीन का लुक देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त लुक हमें देखने को मिलता है। किसान इंजीनियरिंग की KIJ 3111 वाइंडिंग मशीन है। किसान कंपनी दोस्तों काफ़ी अच्छी वाइंडिंग मशीन बनाती है, यानी उनकी जो सारी मशीनरी है काफ़ी हैवी ड्यूटी हैवी क्वालिटी में बनाती हैं। तो इसमें देख सकते हैं किसान इंजीनियरिंग की जो 1, 2, 3 मॉडल आती है उसमें ये नॉक सिस्टम दिया गया है, लेकिन आपको अब 3111 में जो 3111 मशीन है उसमें भी आपको लॉक सिस्टम मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको सेम मिलती है, पंखा पत्ती स्टेटर लगने वाला जहाँ हमारा डाई होल्डर लगता है सारी चीज़ आपको सेम मिलती है। पर इसमें क्या है, ये हैंड ऑपरेटेड मशीन है, नहीं हैंड से हाथ से चलेगा और ये मशीन काफ़ी मतलब जहाँ पे बिजली वगैरह की कटौती ज़्यादा होती है वहाँ के लिए है कि ये हैंड ऑपरेटेड सिस्टम। बाकी आप देख सकते हैं इसमें मीटर जो लगा हुआ है, मीटर काफ़ी हैवी क्वालिटी का हमें देखने को मिलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसमें चाहे तो आप डिजिटल वाला भी मीटर ले सकते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि डिजिटल वाला जो होता है वो लाइट से चलता है, तो लाइट की व्यवस्था जानते हैं कि हर जगह सही नहीं रहती है, तो इसलिए ये मीटर आपको काफ़ी बेटर रहेगा। यहाँ पर दोस्तों बात करें, यहाँ हमारा लेमदा पत्ती लगेगी, जो हमें साथ में लेमदा पत्ती मिलती है वो लेमदा पत्ती हम लगेगी। तो लेमदम पत्ते चलिए लगा के फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देख सकते दोस्तों यहाँ पे हमारी लेमदम पत्ती लग रही है, लेमदम पत्ती कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, काफ़ी ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ लेमदम पत्ती भी आती है। तो लेमदम पत्ती फटाफट हम यहाँ पे लगा लेते हैं, लगाने के बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। तो हमारा यहाँ पे जो क्यूब हमें मिलती है मशीन के साथ, क्यूब लगाया जाता है, क्यूब लगाने से फायदा रहता है दोस्तों हमारा वायर जो जाता है अंदर वो कहीं टूटता नहीं है। तो मशीन को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी वाइंडिंग मशीन है। ये किसान इंजीनियरिंग की सारी मशीनें काफ़ी बेस्ट बजट में रहती है, काफ़ी अच्छी मशीन रहती है। यानी इसका देख सकते हैं मीटर वगैरह, यहाँ ये स्टेन स्टील का मिलता है, बाकी ये प्लेट काफ़ी हैवी क्वालिटी में देखता है। मशीन को चला के दिखाते हैं कि ज़बरदस्त चलती है हमारी मशीन, काफ़ी अच्छी है और ये देख सकते हैं मशीन की स्मूथली काफ़ी अच्छे से चलती है और देख सकते हैं कहीं से मशीन जाम नहीं, फिर भी मशीन हमारी कहीं से हिल नहीं रही है। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी अच्छी वाइंडिंग मशीन है और काफ़ी पावरफुल और काफ़ी अच्छी वाइंडिंग होती है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों किसान इंजीनियरिंग की 3111 जो मशीन है, ये 2-in-1 भी आप इसको बोल सकते हैं, यानी इसमें आप कॉइल भी बना सकते हैं और पंखा भी भर सकते हैं। तो कॉइल बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक दिया जाता है, ये चीज़ आप
या तो इसमें फर्मा बना के आप इसको चलाएंगे, आप इस पर कॉयल बना सकते हैं। बाकी आपका ये मीटर लगा हुआ है, मीटर अकाउंट करेगा कि कितना टन चापा गया है। उसके बाद आप इसको डिजिटल भी ले सकते हैं, नॉर्मल मीटर भी ले सकते हैं। दोनों मीटर आपको प्रोवाइड मशीन के साथ करवाया जाता है, आप दोनों में से एक मीटर कोई भी आप ले सकते हैं। बाकी मशीन की बात करें, मशीन की लुक की बात करें, तो इसमें देख सकते हैं जो किसान इंजीनियरिंग KIJ 123 में जो नॉक सिस्टम देता है लॉक करने वाला, वो सिस्टम आपको इसमें मिल जाता है। बाकी यहाँ पे पंखा लगता है, हमारा स्टेटर लगता है, वो भी चीज़ आपको सेम मिल जाएगा। पंखा पत्ती आपको सेम देखने को मिलेगा, ये सारा चीज़ भी आपको सेम देखने को मिलेगा। तो काफ़ी हैवी क्वालिटी के साथ किसान इंजीनियरिंग मशीन बनाती है, काफ़ी पावरफुल मशीन बनाती है, काफ़ी अच्छी मशीन बनाती है। तो मशीन को ऑर्डर करने के लिए डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे जाएं, मशीन को ऑर्डर करें।